सर उठा के बोलता हूँ, बाप ने नाम दिया है पूरा, इसलिए हूँ कि वो भी कटारिया। अरे इस माँ को पूरा दिलासा देता हूँ, मैं लगवाऊंगा उस बच्ची की टांग, जैसे भी होगा मैं लगवाऊंगा उस बच्ची की टांग को। बॉबी कटारिया से मुझे बहुत उम्मीद थी, पर उन्होंने किसी भी तरह की मदद नहीं करी, और ये भी कोशिश नहीं करी मेरी बेटी के ना हॉस्पिटल से आने के बाद हाल चाल पूछे, कभी मुझे फोन किया, किसी भी तरह का संपर्क करने की कोशिश। एक माँ उठा रही है बॉबी कटारिया पर सवाल। मैं हाथ जोड़ कर बोलता हूँ आप लोगों से, हर जगह अपने बंदे भीख मांगने के लिए छोड़ेगा बॉबी कटारिया। वो इस तरीके से मैं बॉबी कटारिया को यही कहूंगी, अगर वो वीडियो देखता है तो कि अगर ऐसे पब्लिसिटी करनी है तो प्लीज ना करें। एक बेटी लगा रही है बॉबी कटारिया से गुहार। बॉबी कटारिया के लिए और इस माँ की बच्ची के लिए सिर्फ एक रुपया चाहिए होगा तुम्हारा। बिल्कुल ये तरीके से चीप पब्लिसिटी है, लोगों के नाम पर पैसे इकट्ठे करके उन लोगों की मदद ना करना, उनके हाल चाल भी ना पूछना। मदद के नाम पर बंद करो झूठा प्रचार। ओल्ड फरीदाबाद की रहने वाली ये वही निकिता है जिसकी मदद के लिए बॉबी कटारिया एक नायक की तरह आया था और दावा किया था कि अपनी फेसबुक फॉलोइंग से पैसा इकट्ठा करके इस परिवार के सारे दुख दर्द दूर करेगा। मैं सब जगह से हैरान हो गई, निराश हो गई, जब भी मैंने अपनी बॉबी भाई की मदद मांगी मुझे। मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, युवा भाई और बहन है, और मुझे देखने वाले करीब इस बॉबी कटारिया को 10 करोड़ है। अगर आज सब सिर्फ 1 रुपया भी इस अकाउंट में डालेंगे तो हम इस रोती और बिलखती माँ की बेटी को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। अकाउंट नंबर एक बार ही दोबारा से सुन लीजिए, कोई भी फेक अकाउंट भी बना सकता है। 20100208085 IFSC कोड है INDB 0000548। मुझे इस बेटी का पैर। बहुत सारे लोगों ने पैसा डोनेट भी किया, लेकिन फेसबुक पर कलेक्शन करने के बावजूद बॉबी कटारिया ने इस परिवार की एक पैसे की मदद नहीं की। आज ये परिवार कह रहा है कि पैसे तो दूर की बात, बॉबी कटारिया ने फोन कर निकिता का हाल चाल तक नहीं पूछा। बॉबी कटारिया से मुझे बहुत उम्मीद थी, पर उन्होंने किसी भी तरह की मदद नहीं करी, और ये भी कोशिश नहीं करी मेरी बेटी के ना हॉस्पिटल से आने के बाद हाल चाल पूछे, कभी मुझे फोन किया, किसी भी तरह का संपर्क करने की कोशिश नहीं। निकिता ने सड़क हादसे में अपना पैर खो दिया। मौत को मात देने के बाद निकिता और उसका परिवार आर्थिक तंगी में जिंदगी से संघर्ष कर रहा है, और बॉबी कटारिया जब फिर से अपनी जिंदगी में मस्त दिखाई दे रहा है तो निकिता आज बॉबी कटारिया से अपील कर रही है कि चीप पब्लिसिटी के लिए जरूरतमंद बेटियों के नाम का इस्तेमाल बंद करो। बिल्कुल एक तरीके से चीप पब्लिसिटी है, लोगों के नाम पर पैसे इकट्ठे करके उन लोगों की मदद ना करना, उनके हाल चाल भी ना पूछना, एक तरीके से बिल्कुल ही चीप, बिल्कुल ही गंदी जो है, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर वो हेल्प करते हैं तो वो वीडियो भी डलवाए, अगर वो हेल्प मांगने की वीडियो डलवा सकता है तो फिर वो इस बात की वीडियो भी डलवाए कि बॉबी कटारिया ने हेल्प की है, वो इस बात की वीडियो क्यों नहीं डलवाता। हरियाणा लाइव डॉट ऑनलाइन ने निकिता और उसके परिवार के संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया था, और आज भी हम सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे परिवारों के लिए कोई योजना लेकर आए ताकि कोई परिवार बॉबी कटारिया की तरह सोशल मीडिया पर चेहरा चमका रहे लोगों के झांसे में ना आए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये अकाउंट आपका ही अकाउंट है, सबके सामने रहेगा, सबके सामने दिखाया जाएगा, 1 महीने में कितनी पेमेंट जाती है, कैसे जाती है, हर किसी के सामने दिखाऊंगा। फरीदाबाद से हरियाणा लाइव डॉट ऑनलाइन की रिपोर्ट। इस चीज में मेरा साथ दें, मेरे युवा भाई मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे इतना पता है। हरियाणा की असरदार खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।